हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। मैं आपका दोस्त विजय लेकर आया हूँ टॉप 10 सीरीज का एक नया वीडियो। दोस्तों, इंडिया अपने फिश प्रोडक्शन एंड फिश की क्वालिटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इंडिया में काफी हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर फिश को ऐसा मेन फूड खाया जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि फिश यानी कि मछली खाने के काफी सारे फायदे हैं, और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से काफी सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग भी फिश खाना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, इंडिया में करंटली 2 सेंट्रल डिपार्टमेंट मौजूद हैं जो कि फिश प्रोडक्शन एंड फिश एक्सपोर्ट पर नजर रखते हैं। एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और दूसरा है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये 2 ऐसे सेंट्रल डिपार्टमेंट हैं जो कि फिश प्रोडक्शन एंड फिश एक्सपोर्ट पर पूरी नजर रखते हैं। इसके अलावा हर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना एक फिशरी डिपार्टमेंट होता है। दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को विजिट जरूर करें। वहाँ पर आपको काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी देखने को मिल जाएगी, तो उन्हें भी जरूर चेक करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10 पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो अपने डीप सी फिशिंग एंड मरीन कल्चर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसके पास अरेबियन सी के पास होने का एडवांटेज मौजूद है, और जिसकी वजह से यहाँ पर डीप सी फिशिंग काफी पॉपुलर है। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है पिंक पर्च, जिसे हिंदी में कहते हैं रानी मछली, किंगफिश यानी कि सुरमई, पॉम्फ्रेट एंड ड्रावस। ये कुछ ऐसी फिश है जो महाराष्ट्र स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और ये फिश महाराष्ट्र में काफी ज्यादा पसंद भी की जाती है। नंबर 9 पे है कर्नाटका। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर काफी सारे लोगों का बिजनेस डिपेंडेंट है फिश फार्मिंग पे, पर यहाँ के फिश फार्मर फिश प्रोडक्शन के लिए सिर्फ समुद्र पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वो यूज करते हैं सी कोस्ट कनाल एंड ड्रेन वाटर का। कर्नाटका स्टेट से प्रोड्यूस की जाने वाली फिशेस में सैल्मन, रोहू, टूना एंड कैटला कुछ ऐसी फिशेस हैं जो काफी ज्यादा ही पॉपुलर होते हैं, और इस कैटेगरी की फिशेस कर्नाटका स्टेट काफी ज्यादा प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, कर्नाटका एक साल में करीब 6.50 लाख टन फिश प्रोड्यूस करता है। नंबर 8 पे है उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट को लैंड ऑफ फिशरीज भी कहा जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट ने फिश फार्मिंग के लिए काफी सारे ऐसे स्टेप उठाए हैं जिसकी वजह से इस स्टेट में फिश फार्मिंग काफी अच्छे से हो रही है। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा हिल्सा एंड टेंगरा फिश को प्रोड्यूस करता है। उड़ीसा स्टेट भी कोस्टल लाइन पे ही पड़ता है, जिसकी वजह से इसके पास भी फिशरी के लिए काफी सारे एडवांटेज मौजूद हैं। वहीं जो भी स्टेट कोस्टल लाइन पे पड़ते हैं उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज होता है सी पोर्ट बनाने का, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उड़ीसा हर साल करीब 6.8 लाख टन फिशेस प्रोड्यूस करता है। नंबर 7 पे है पुडुचेरी। इस स्टेट ने फिश प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए काफी सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिसके वजह से यहाँ पर आपको सुपीरियर क्वालिटी की फिश एंड फार्मिंग टेक्निक देखने को मिल जाएगी। पुडुचेरी एक ऐसा स्टेट है जो अपने सीर एंड संकारा फिश के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है, और अगर आप पुडुचेरी में रहते हैं तो आपने इस फिश को तो जरूर ट्राई किया होगा। वहीं अगर आप पुडुचेरी जाएं तो इस फिश को ट्राई जरूर करिएगा। नंबर 6 पे है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पास कोई भी समुद्री बाउंड्री नहीं है, फिर भी ये स्टेट फिश प्रोडक्शन में टॉप 10 में अपनी जगह बनाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है रोहू, टूना, काटला एंड बासा फिश। इसके अलावा टिलापिया फिश भी यहाँ से काफी ज्यादा बेची जाती है। उत्तर प्रदेश हर साल करीब 6.9 लाख टन फिश प्रोड्यूस करता है। नंबर 5 पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है रोहू, नेखेड, काटला, टिलापिया जैसी फिशेस। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो एक साल में प्रोड्यूस करता है करीब 8.82 लाख टन तक फिश। नंबर 4 पे है केरला। इंडिया के साउथ में सिचुएटेड केरला स्टेट अपने फिश प्रोडक्शन के लिए काफी पॉपुलर है, और केरला की कुछ ऐसी फिश डिशेस हैं जो कि दुनिया भर में काफी पॉपुलर है। केरला के बैकवाटर फिश फार्मिंग के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। केरला में कारिमिन नाम की फिश काफी ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा केरला में ऑयस्टर एंड श्रिम्प भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। केरला एक साल में प्रोड्यूस करता है करीब 15.35 टन तक फिश। नंबर 3 पे है गुजरात। दोस्तों, गुजरात के पास काफी सारे सी पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिसके वजह से गुजरात इंडिया का सबसे ज्यादा फिश एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट बन जाता है। एक साल में गुजरात प्रोड्यूस करता है करीब 15.45 लाख टन फिश। गुजरात में ओपन सी केज फिश फार्मिंग काफी ज्यादा ही पॉपुलर है। इसके अलावा गुजरात अपने टिलापिया फिश के लिए जाना जाता है,
गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर प्रॉन की फार्मिंग की जाती है। नंबर 2 पे है वेस्ट बंगाल। दोस्तों जब भी आप वेस्ट बंगाल का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में फिश की तस्वीर तो जरूर बनती होगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल अपने फिश फार्मिंग के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ पर फिश भी काफी ज्यादा खाई जाती है। वेस्ट बंगाल में केटला एक ऐसी फिश है जिसकी फार्मिंग सबसे ज्यादा की जाती है। वेस्ट बंगाल एक साल में प्रोड्यूस करता है करीब 17.42 लाख टन फिश। दोस्तों इस लिस्ट का आखिरी स्टेट है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो इंडिया का सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन करता है। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि इंडिया के फिश प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश का काफी बड़ा हिस्सा होता है। आंध्र प्रदेश में काफी सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो नॉर्मल फार्मिंग के साथ साथ फिश फार्मिंग भी करते हैं, जिसके वजह से यह स्टेट फिश प्रोडक्शन इतना ज्यादा कर पाता है। आंध्र प्रदेश में पुलासा नाम की फिश दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये काफी ऊंचे दामों पर भी बिकती है। ये फिश ज्यादातर मिलती है गोदावरी रिवर में। आंध्र प्रदेश एक साल में प्रोड्यूस करता है करीब 34.54 लाख टन फिश, जिसके वजह से आंध्र प्रदेश बन जाता है इस टॉप 10 लिस्ट की नंबर 1 कंट्री जो कि सबसे ज्यादा फिश प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।